असोसिएट स्पॉन्सर जे आंटी जेम सेंचुअलरी जागमरा भुवने। जय जगन्नाथ। रोकठोक आपको स्वागत करुच्ची दुर्गाशीष। जो टॉपिक रही बाट बणा षड़यंत्र कहीं एक कहि जे महालिंग बहुचर्चित एवं बलांगीर कलाहांडी जो घटना घटी कलाहांडी बलांगीर झी ये ममिता एवं ए जो क्यारेक्टर ये आप देखुं ये क्यारेक्टर भितर बुलू पूरा षड़यंत्र जहाँ करट बना ये आम कौचु जे जो षड़यंत्र धीरे धीरे फेल हवा को लगुच ये ऑडियो सामना को आसूँ विभिन्न अभियोग आसूँ जोटा ए आई इशारा करुच्ची जे महालिंग कॉलेज रे सेक्स रैकेट चली कि पूरा तदंत प्रक्रिया एवं संध्या घेर ये येस बस कहीकि बलांगीर पुलिस कैप्टेन को सुरक्षा पाई ये षड़यंत्र करिछि कि एई क्यारेक्टर ये ममिता गोविंद साहू कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र मंत्री प्रताप जेना एवं डीआईजी दीपक कुमार एवं डीआईजी कहिले जे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स काले प्रकट हो ममिता को हत्या कले गोविंद किंतु एठी कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र सेठिकी जाउथिले एवं रात्रि जापन करुथिले शारीरिक संपर्क रखुथिले ये सांघातिक अभियोग आनिछंती ममिता बापा एवं कैप्टेन मिश्र कहउछंती जे मुके कॉलेज को गले आमको यंग यंग फील हुए ये ऑडियो कहउछि जे गोविंद साहू डकउथिले झियो मानंकु कहउथिले मार्क बढ़ेबु कि जो माने राजी होउथिले तांकु धंधारे लगउथिले ये सांघातिक कथा तदंत प्रक्रिया को नहीं कि संदेह एवं जो षड़यंत्र हेतिला चारि दिन रो आतिथ्य कहीं चार दिन पर्यंत रखा गला कहीं इनफर्मेसन मिल पार्लानी ये सब कु नहीं प्रश्न आसुची आट बड़ा षड़यंत्र जो षड़यंत्र कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र और मंत्री प्रताप जेना घंट घोड़ापी कि षड़यंत्र बाट बणा हो जाए सत सामना को आसब छात्र छात्री मैंने मुह खोल आरंभ कर डिबेट आरंभ कर मो सहित जोड़ी होती कटक्रु वरिष्ठ आईनजीवी श्रीयुक्त धरणीधर नायक एवं आम सहित रहिबे भवानी पाटनारु श्रीयुक्त विजय द्विवेदी जी होंगे समाजसेवी श्रीयुक्त धरणीधर नायक आपन ठारु आरंभ करने चाहिए आपन ये घटना को भलसे जानते आईनगत दिगू नहीं तर्जमा करवा प्रथम जितेबाला 13 तारीख में एफआईआर है प्रथम तो एफआईआर नेले नी से लोकाल पुलिस जो घटना घटी से जगह एफआईआर ग्रहण कले जो आज जन सस्पेंड होती किंतु 13 रे एफआईआर है 14 रे उठागला चार दिन पर्यंत आतिथ्य दिगला जोटि की 366 दफा लगी ना गोविंद गोविंद साहू को ना जो रखाटा एवं ए पूरा घटनाक्रम ये पुलिस को संदेह घर को नौ सुक्त नायक देखो आज जिते मिसिंग है ममिता जो मिसिंग है बापा माँ जो रिपोर्ट देते जेहतु गोटे गार्ल मिसिंग ग्रोन अप गार्ल गोटे मिसिंग इमिडियट स्टेप नवा कथ 366 रे किडनापिंग गोटे किडनापिंग दफार रेजिस्ट्रेसन करदे कारण से तेलुगु आसी ना समस्त तथ्य पदाक आसी ना तेना मर्डर कराई कि आउ किसी दुष्कर्म कराई जेहेतु सबू तथ्य पदाक आसी ना 366 रे केस रेजिट्रेसन करार किसी असुविधा नहीं कि 366 रे केस रेजिट्रेसन करसीजापर कि तदंत नक अत्यंत मारात्मक कारण से किडनापिंग अफ ए ग्रोन अप गार्ल गोटे झीटा किडनापिंग से मिलू नहीं तार बापा माँ थाना को जाऊँच असहाय बापा माँ थाना को जातु पचर बहुत कहानी आसे पदा को से समय किडनापिंग केस रेजिट्रेसन कर किसी असुविधा ना कारण तर एतलू हम जमापड़ मो झी को मुझ पाऊना मो झी दी दिन कि तीन दिन है मिलूना तेणु 366 किडनापिंग जो अपहरण से ही संपर्क में कैस रेजिट्रेसन कराई कितु गोटे झील मिलूना कह खाली 366 रेजिट्रेसन कर देकि बस आदौ आईनगत नुहे ये संपर्क में पुलिस अवहेला पुलिस निष्क्रियता पुलिस पारंगमता पुलिस प्रियाप्रीति तोषण ये सब कथ पदा को आसला तापर जो इन्वेस्टिगेशन आरंभ कर 366 डिमांड है लोकाली डिमांड है बाहर डिमांड है जो समस्ते कहले आउ कि कथा रही मंत्री संपृक्ति आसला पूर्व से मीटिंग होता है स्कूल से मंत्री थे बहुत कथा जो थाना अटकई थे ए सब आश्चर्य कथा थाना से चलीगले
थानार तो सी चोर डकाधूला चंपट करके चल जाइए एवं प्रश्न उठू जड़े थानार एत ये भितर सुरक्षा भितर से केमी गल हूँ तक खसई दि जाइ अभोग अच्छी पूरा आम डिनाए करें खसई देवर अभोग थे जो कि सस्पेंड कर सस्पेंड करके बर प्रमाणित कले जमी खसई जबार प्रकृत हाथ थी तृतीय कथा हूँ केस इन्वेस्टिगेशन आरंभ होगा इन्वेस्टिगेशन आरंभ होते तदंत चाबी धरला निखोज संपर्क जितेबाला राजनैतिक महल लोकाल स्थानीय महल चाप पड़ा और पुलिस की समालोचना पात्र है मंत्री विरुद्ध में स्वर उठला से तदंत आग को गला तदंत आग को गला बेल जो लोमहर्षणकारी कथ पदा को आसूसी आपण और राज्यवासी समस्त जानूँ जना पड़ा जे ममिता बेहरा सी तो आरेस्ट है आखुकियारू कमी आरेस्ट बेले बड़े लोक सी आखुकियारी कहीं लुचि थे ज्ञात सारे से लुचे दि जाता भगवान को जना जहाँ भी आखुकियारू आरेस्ट हो सारापर इंटरोगेशन है इंटरोगेशन जो लंबा समय जेरा है से जेरू जना पड़ा जे इज डायरेक्टली इनवल्व विथ दिस क्राइम सीधा सड़क संपुक्ति अच्छी सीधा सड़क संपुक्ति खाली नाही हत्यार संपुक्ति ना से कथा नुह हत्या करवा पुणी तापर पोती देवा पोड़ी देवा पोड़ी देकर डेड बॉडी अवशेषांश पोती देवा ये सब अत्यंत दारुण एवं अत्यंत मर्मन्तुद एवं अत्यंत जो कथा कहते जो आसला सामना को जो तथ्य जे चार दिन पर्यंत गोविंद साहू को सही रखी थे रखिकी पचरा उचरा कर चार दिन ये अधिक समय ये आतिथ्य भाई हैलानी कि ये तो हार्डकोर क्रिमिनाल नुह गोटे दिन में सब कही था चार दिन पर्यंत जो रखिले एवं तांकु गिरफ करी की फॉरवर्ड कले एटा संदेह को आउरी बढ़ाऊ सुक्त नायक देखना गिरफ करी फॉरवर्ड करवा फॉरवर्ड करी से रिमांड आनी पारि था कारण जिते बड़े सीता नहीं गिरफ कले गिरफ कर सारापर जब इमिडिएटली संपुक्ति कौन तक इंटरोगेशन न आसी था लाभ किसी न था तेणु इंट्रोगेसन करवा दैट जस्टिफाएड कितना आणिक प्रड्यूस करके से रिमांड में नहीं भल होता सीधा सड़क जदि ने चार दिन काल कस्टडी रखा ठीक है आईनसम्मत है ना कारण चार दिन काल जब से प्राइम एफ एस केस विरुद्ध जब से किडनापिंग केस हो सारे और सीसीटीवी आसी सारे संपुक्ति आस सारापर आक्यूज को लेकिन प्रड्यूस कर मजिस्ट्रेट पाखे मजिस्ट्रेट को अनुमति मांगी रिमाण्ड आनी था पचराउचरा करते चार दिन रहा भितर दुईट प्रश्न उठू जो हूँ तो पुलिस से तदंत तदंत कर समय से आसी ना से प्राथमिक तदंत अवस्था थी संपुक्ति जान ना कि पुलिस जो संपुक्ति जा सारापर पुणी चार दिन रखा पाखे से निश्चय एक सन्देहात्मक हो पाए ये सन्देहजनक वरिष्ठ आईनजीवी सुक्त धरणीधर नायक एक कहते सन्देहजनक डीजीपी अभय डीआईजी दीपक कुमार और बलांगीर एसपी आप उत्तर रखु जे चार दिन कहीं रखाला तापर खसई देले चाप पड़ला पुणी धरले एवं ये चार दिन रहिवार कौन थिला ये षड़यंत्र नुहत येस बस करिवार येस बस सेथी पाई जे गृह राष्ट्रमंत्री कैप्टन दिव्यशंकर मिश्रंकर इनवॉल्वमेंटर अभियोग आसुची एवं पुलिस विभाग तांको अधीन रे आसुची आम सहित अछंती सुक्त विजय द्विवेदी सुक्त द्विवेदी गोटे स्कूल जो स्कूल रे पिलांक भविष्य गढ़ा हबो सेही स्कूल रे जौन केलेंकारी चली बोली सांघातिक अभियोग आसुची ममिता बापा एक कथा कहते गोटे ऑडियो वायरल छात्र जनक एक कथा कहते किंतु पुलिस या गोटे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रूप दे तो द्वारा पूरा केलेंकारी को घंट घोड़ापी ये गोटे प्री प्लांड योजना कि सुक्त द्विवेदी देखु ये महालिंग सनसाइन स्कूल हो कि महालिंग कॉलेज रे जौन केलेंकारीटा आज ना दीर्घ चार पांच वर्ष है यार अभियोग हो आसला किंतु गोविंद साहूर प्रभाव तार स्थानीय राजनीतिक नेता किंबा राज्य सरकार छत्र छाय तेल रही से निजकु सर्वे सर्वा मन करा तारी हाथ में तार इंगित स्थानीय पुलिस नाचुले सी जहाँ कहला ता इंगित होता कारण है आप 2012-13 गोटे से गोटे मर्डर केस होता गोविंद साहूर भाई गोटे ट्रैक्टर चपे गोटे झील को मारी जोटा कि से गाँव रोक मैंने उत्तक्त हो घर द्वार सब पोड़ी ट्रैक्टर से केस्रे बहुत लोग आरेस्ट होते
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ପୋଲିସ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଚପାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ତେଣୁ ସାହସ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାଇକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଯାଇକି ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ସାହସ ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭ ଦିଆଇ ସେଠି। ତାପରେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସେ ଡୋମିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, କିଛି ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ୍ଙ୍କୁ ରଖିଥିଲା, ଆଣ୍ଟି ପଲିଟିକାଲ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିଥିଲା, କିଛି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶାସକ ଦଳ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସେ ହାତରେ ରଖିଥିଲା। ତେଣୁ କିଏ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ? କେଉଁ ଝିଅ ସେଠି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ? କିଛି କାହାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଏସବୁ ଚାଲୁଥିଲା? ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲିକପ୍ଟରରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯାଇଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ, ଆଉ ବିନ୍ଧାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ। ଇଏ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ହତ୍ୟାର ଅଭିଯୋଗ, ଏମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଚାଲୁଥିଲା। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସକ ଦଳର ଛତ୍ରଛାୟାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଦ୍ୱିବେଦୀ, ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷରୁ ତା ସେ ଠିକା କାମ କରୁଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ସେ ବିରାଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ତି ହେଲା। ଏଇ ଭିତରେ ସେ କେତେ ସାତ ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଟଙ୍କା କମେଇଛି, କେତେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ତାର ସ୍କୁଲ କରିଛି ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏତେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଏତେ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଫଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉନି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇପାରୁନି। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଟ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତିକି ଦାୟୀ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେ ଜାଣିପାରୁନି କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲକୁ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଛି ଏତେ ଫଣ୍ଡ। ଓକେ, କାହିଁକି ଫଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା? କେବଳ ସୁରକ୍ଷା ନୁହଁ, ଅନୁଦାନ ବି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କହିଲେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହୁ ସେ ଖୋଲା ହସ୍ତରେ ଦେଇଛନ୍ତି। WDC ର ପାଣ୍ଠିରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ ମହାଲିଂ କଲେଜକୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧରଣୀଧର ନାୟକ, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ମମିତାଙ୍କ ବାପା ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଯେ ସେଠି ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚାଲିଛି, ସେ କୋର୍ଟ ଅନକୋର୍ଟ ବାଇଟ୍ରେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠିକି ବରାବର ଯାଆନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ଏ କଥା ବି ମମିତାଙ୍କ ବାପା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ସେଠି ଜଣେ ଛାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସେଠିକି ଯାଉଥିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ, ମାର୍କ ବଢ଼େଇବା ନାଁରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୌନ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଥିଲେ। ତଦନ୍ତରେ ଏସବୁ ଦିଗକୁ ପୁଲିସ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ଏସବୁ ବି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଲିଗେସନ୍ସ ଯଦି ସାଧାରଣରେ ବା ଗୋଟେ କିଛି ପଲିଟିକାଲ ଫୋରମରେ ଉଠୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ତ ହୁଏତ ଅଲଗା କଥା ହେଇଥାନ୍ତା। କିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତା ଯେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲି ଭିଣ୍ଡିକ୍ଟିଭ୍ ହେଇକି କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ କହୁଛି ବା ଗୋବିନ୍ଦ ନାଁରେ କହୁଛି, ଯେହେତୁ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ବାପା ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଛାତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଉଥିଲା, ମାର୍କ ବଢ଼ିଆ ଅଭିଯୋଗରେ ସେଠି ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ହେଉଥିଲା, ଇଟ୍ସ ଭେରି 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 ସିରିୟସ୍। ଆଠ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଅଧିକ କିଛି ଗୁରୁତର ହେଇନପାରେ, ତେଣୁ ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବା ଉଚିତ ପୋଲିସ। ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଇନ୍ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି କେତେ କ'ଣ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲିଗେସନ୍ ହେଉଛି କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ନ ହେବ, କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭିତରକୁ ନ ଆସିବେ, କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ଇଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନ ହେବ? ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ ଯେ ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଆଇନ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ତେଣୁ ଯଦି ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ତ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆସୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ନ ହେବ? ତଦନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ, ଇଟ୍ ଏ ଭେରି ସିରିୟସ୍ ଆଲିଗେସନ୍। ସ୍କୁଲରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଆଡ଼େଇ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ କ୍ରାଇମ୍ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ବାହାରିଛି ସେଇ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରୁ, ତେଣୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ରିମେନ୍ସ ଯେ ତାଙ୍କର ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ସେଇଠୁ ବାହାରିଛି ଏବଂ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରୁ ବାହାରିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଇ ସ୍କୁଲର ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ବାକି କଥା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ତଦନ୍ତର ପରିସର ଭିତରକୁ ନ ଆଣିଲେ ଠିକ୍ ହେବନି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଯିବ ତଦନ୍ତ ଉପରେ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ସେ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଲୋକ ନ ଭାବନ୍ତୁ, ଲୋକ ଅନ୍ତତଃ ନ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଯେହେତୁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୃହ ବିଭାଗ ଅଣ୍ଡରରେ ହେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିଜାଣି ସେ ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ତଦନ୍ତ କରାଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ ଖସେଇ ଦେବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରମାଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା। ଏମିତି ଭାବିବା ହିଁ ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ, ଏମିତି ଭାବିବା ହିଁ, ଏମିତି ଯଦି ଭାବିଲେ ବା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ଅବଶୋଷ ରହିଲା ବା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମଧ୍ୟ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିତରଣ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆଇନ ଉପରେ ତୁଟିଯିବ। ତେଣୁ ତଦନ୍ତର ପରିସର ଯାହା ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି
किए कौन आरेस्ट कर पकाओ मंत्री की जेल को पठाई दिए आरेस्ट कर गोविंद साउत आरेस्ट होती से कथा मुझे कहवाक चाहूनी मु राजनीतिक दृष्टिकोण कहूनी अभियोग जदि से अभियोग आधार रे से अभियोग को आधार करी तदंत करवा उचित एवं से तदंत को आधार करी कार्यानुष्ठान ग्रहण करी अभियोग आधार रे तदंत हेबा दरकार एवं तदंत आधार रे कार्यानुष्ठान हेबा दरकार वरिष्ठ आईनजीवी सुक्त धरणीधर नायक मत एवं ये जो प्रश्न आसुसी से जो कथा कहले सर जो कथा कहउचंती जे ये पॉलिटिकल पार्टी को एलिगेशन नो ये विक्टिम रो फादर ये जो माने पीड़ित जे तांको झियो को हरैचंती से एलिगेशन आनुचंती जे जेहेतु ए पूरा कारनामा संपर्क रे ममिता जानी देथिले एवं सबुडु बड़ कथा तांको बड़ बापा कहउचंती जे दुईटा वीडियो थिला से वीडियो को देखि गोविंद को धमक देथिले गोटे ग्रुप रे ममिता जे तुमको बर्बाद कर देबी पूरा कारनामा रा पर्दाफाश कर देबी सेथि पई तांको हत्या करा जाई छी ये सांगातिक अभियोग आसुची सुक्त द्विवेदी गोटे पटे जौन केलेंकारी रा सांगातिक अभियोग बापा आनुछंती छात्र मानक ऑडियो सेया कहउची आउ गोटे पटे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जोगु प्रगट होई जीव बोली हत्या करा जाई थिबा ममितांकु डीआईजी कहउछंती कोठी ना कोठी ए जौन केलेंकारी को लुचेय दवा पई घंटो घोड़िया पई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रो बहाना करिकी पूरा घटना को लुचे दवा पई गोटे प्रयास होउची कि सुक्त द्विवेदी देखंतु आपनर घटना घटला 8 तारीख 9 तारीख दिन ता बापा मा आसे ता परिवार लोक आसेले के गा थाना को किंतु से माने ग्रहण करले नै एफआईआर पर काहे के एफआईआर करले से मन को मना करा गला तांकर से स्थानीय पुलिस रो चाप जो से माने मना करले रिपोर्ट करले परवर्ती से माने चाहे कि के अन्य थाना रे तांकर जुडिशियल जुडि थाना रे से जाना रे करले ताकू 12 तारीख दिन पुलिस नेला मुदल मुख्य आसामी को किंतु 4 दिन धरी ताकू थाना रखिला जुई किणिया भली रखिला किंतु से हठात उभय गला कुआडे माने सेटा ही प्रश्न अछि आ से उभय गला फरार हे गला किंतु जो दिन तार डेड बॉडी बाहरला ममितार तापर दिन से दिन तार धरा जाऊँ माने ताठू माने दुखदायक कौन अच्छी पुलिस इनिस्ट्यूट अच्छी आउ रहा आपण जो डीआईजी बलांगीर डीआईजी एसपी कहते माने परक्रिया प्रीति ताठ बहुत दुखदायक गोटे मृत झीर जो घटना अच्छी से जौन केलंकारीटा को एड़ी जावाई जो केलंकारी बहुत बड़ बड़ लोक इनवल्विंग अच्छा ताकू एड़ाई देवाई एटा गोटे सुचंतित ये कैप्टन सुरक्षा अभियान ये गृह राष्ट्र मंत्री कैप्टन दिव्य शंकर मिश्र को सुरक्षा देवाई पुलिस अभियान करी जो अभियान परिकेश रे मंत्री अरुण साहू को करथिला जो अभियान मंत्री प्रताप जेना को करथिला महांगा डबल मर्डर केस रे एठी कैप्टन मिश्र को घंट घड़ अभियान करुछि पुलिस सुक्त द्विवेदी हाँ हाँ से सत कथा किसी कौन से दुमत तो ना राज्य सरकार को जिते बड़े राज्य सरकार अधीन से ही पुलिस चाकरी कर एसपी चाकरी कर टीआईजी चाकरी करमी विरुद्ध में स्वर उत्तोलन गृहमंत्री राष्ट्र गृहमंत्री हूँ कि चीफ मिनिस्टर विरुद्ध में किमी स्वर उत्तोलन करेंगे कहतु ओके ये यस बॉस कोई कोई षडयंत्र करथिले षडयंत्र एबे बाट बना हे जाउची गोटे परे गोटे खुलासा होउची छात्री माने सामना को आछंती छात्र माने सामना को आछंती सुक्त धरणीधर नायक आपण को रिएक्शन ने चाहिबी आपण वरिष्ठ आईनजीवी आईन को भल से जानिछंती ए जो कथा आसुची जे ये गृह राष्ट्र मंत्री कैप्टन दिव्य शंकर मिश्र तांको ना रे अभियोग आसुची जदि से गृह राष्ट्र मंत्री भाबे पद रे रहिबे ताहले तदंत निरपेक्ष हबो बोली आमे आशा केमती करि परिबा सुक्त नायक ଆଜ୍ଞା ଯା ଯା ନାଁରେ ବି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁ ଅଭିଯୋଗ ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଅଭିଯୋଗ ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏଇ କେସ୍ରେ ବିଶେଷ କରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଡ଼ମିଟେଡ଼ଲି ଗୋଟେ ଝିଅ କିଡ଼ନାପ୍ ହେଇ ସେଠୁ ଏବଂ ତ ହତ୍ୟା କରାହେଇଛି ହତ୍ୟା କରାହେଇକି ଏଭିଡ଼େନ୍ସକୁ ଡିସାପିୟର୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଲୁଚେଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଡେଡ଼ ବଡ଼ିକୁ ପୋତି ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ମୋଟିଭ୍ ଥାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯିଏ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରିଛି ବା ଯିଏ ହତ୍ୟା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାକୁ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଲୁଚେଇ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସବୁରୁ ଗୋଟେ ମୋଟିଭ୍ ଥାଏ ଇଚ୍ କ୍ରାଇମ୍ର ଗୋଟେ ମୋଟିଭ୍ ତା ପଛଥାଏ ତେଣୁ ଯେ ମୋଟିଭ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଇଚ୍ କ୍ରାଇମ୍ ତେଣୁ ଏଥିରେ ମୋଟିଭ୍ କ'ଣ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଦୁଇଟା କଥା ହେଇପାରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥାଏ ପରେ ସେ କଥା ଏଭିଡ଼େନ୍ସରେ ଆସିନି ଆମେ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାରଣ ଏମିତି ବି ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି ତାଙ୍କ କିଛି ହାଡ଼ ବାହାରିଛି ସେଟା ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଇକି ଜଣାପଡ଼ିବ କାହା ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି କ'ଣ
तेणु जदि सागर किसी दुष्कर्म कर संभावना अच्छी से कथा अत्यंत एविडेन्स कलेक्ट करा उचित आसवा भारी कष्ट आर दिगटी जोटा आसूँ स्कूल अनेक सेक्स रैकेट चली स्कूल सब छोट छोट पिला माने किशोर किशोरी माने सेक्स रैकेट चली इनवॉल्वमेंट थी बहुत बड़ बड़िया लोकंर एभिन मंत्री ना उठा जा सब कथा को हालकार सहित अड़े देवा उचित नुह किए पॉलिटिकली आपको आउ थे कहूँ चाहिए पॉलिटिकली किए निश्चित भाव अन्य दल कह कि कौन करेंगे सहीटा बड़ कथ नुह बड़ कथ हूँ एमती एक अभियोग आसूस बापा माँ स्तर आसूसी द्विवेदी जहाँ कहते हैं स्थानीय लोक मरफ आसूस स्थानीय लोक मैंने आउटने अच्छा देखी अनेक लोक आसती से रात्रि जापन करती जाती ये सब कथ को अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कथ कारण किशोरी किशोरी मैंने जो स्कूल छात्र छात्री से सेक्स रैकेट चली सेक्स रैकेट जब खूब बड़ बड़ लोक हाथ था सेटा जी आज पर्यंत सामना को आसुनोतिला एवं सामना को आसीथिला बेले गोटे सुजोग को जदि पुलिस ठीक भाव तदंत करूना दुखर विषय किसी ना एवं विशेषकर जो डाक नहीं चारिदिन अटकई बेले किसी आसुनोतिला केमिति किसी आसला नहीं केमिति तांके विरुद्ध पुलिस पलैगला जो दिन तक धरले से दिन सब जिनस चली आसला सब मेटेरियल चली आसला कौटी डेड बॉडी पोतिछन से भी चली आसला तेणु ये सब कथा को अत्यंत गुरुतर सहित नवा उचित एवं जदि राष्ट्रमंत्री प्राइम एफ एस इनवल्वमेंट आसूँ प्राइम एफ एस इनवल्वमेंट आसूँ ना जी खाली तदंत हो आपको कहवाक मुझे चाहूँगी लाल बहादुर शास्त्री थे जो रेलवे मंत्री से ट्रेन आक्सीडेट होगा रेलवे मंत्री कैबिनेट रेलवे मंत्री ट्रेन आक्सीडेट है आउ कौटी ताकर कौन ए संपुक्त अच्छी से कि नैतिकता दृष्टिकोण रिजाइन करदे ना मो विभाग आक्सीडेट हो ट्रेन आक्सीडेट हो मो विभाग आक्सीडेट एत लोक जीवन गला तेणु मुझे इस्तफा देवा दरकार जपर्यंत तदंत हो कहीं आक्सीडेट है एक पदक न आसी ये राजनीति एक उच्चकोटीर आदर्श से लालबहादुर शास्त्री कथ मुझे आणवि कि दिव्य सिंह मिश्र को कंपेयर करी से मोर भी मूर्खता हम आजिकाली कौन से राजनेता सांगे कंपेयर कले मोर निश्चित मूर्खता हम कि आप चाहूँ दुर्गाशीष बाबू जो राजनीतिर मान बजाय रखा को हेले बा तदंत को जो निरपेक्ष कौन सी चाप प्रेसर रे तदंत निरपेक्ष हम नहीं मुझे भावी पारना कहीं भी भाविवा उचित नुहे भावी पारे ना जदि आसूँ मंत्री इनवल्वमेंट मंत्री इनवल्व नौ मुझे कहूनी मंत्री इनवल्व थे मंत्री सेक्स रैकेट थे ये सब कथ कहनी मुझे राजनैतिक बयानबाजी दूनी मुझे आईनगत कथ कौन मंत्री हम तो न थपे मंत्री न था कि मंत्री संपर्क जो आसूँ प्राइम एफ एस आसूँ मुझे आपन को पचारक चाहूँगी आज पुलिस डिपार्टमेंट जदि तर जी कर धरती डीजी अगेन्स्ट किसी आसी था तदंत कर आईआईसी जन थाना एसपी विरुद्ध अभियोग आसूँ से एसपी जदि से रिजाइन न करेंगे ताको अंडर में सीधा सड़क थी आईआईसी इन्स्पेक्टर से एसपी के विरुद्ध तदंत करें तेणु तदंतटा को सन्देहमुक्त करने को इनभेस्टिगेशन टाक इंडिपेडेट करने को चापमुक्त करने को कहीं भावना से मंत्री रही थे और तदंत कर सत्य को पदाक आणवे और विरुद्ध में जब अभियोग आसान भी चार्जसीट दे कहीं भाई पारना एत उच्चकोटीर आम पुलिस बात आमो राजनेता एते उच्च कोटर बा एते जदि से पदरे रुहंती ताले निरपेक्ष तदंत हबार जहां कहा जाउची निरपेक्ष तदंत हेबो केमती ए प्रश्न भी उठिबा स्वाभाविक एवं सुक्त नायक वरिष्ठ आईनजीवी आईन को जे भल से जानी छंती से भी ए मत रखुचंती जे केमती हबो जोठी की गृह विभाग रो अंडर रे आसुची पुलिस डिपार्टमेंट बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित जोड़ी थे वरिष्ठ आईनजीवी सुक्त धरणीधर नायक और आम सहित भावी पार्टनर जोड़ी थे सुक्त विजय द्विवेदी आपको धन्यवाद किंतु एठी जो प्रश्न आसुची जे एई क्यारेक्टर पाखरे बुलुची पूरा ममितार तदंत ममिता हत्यार तदंत एवं जो षड्यंत्र करा जाइथिला बंचेवाई कैप्टेन एवं मंत्री प्रताप जेना को बोली अभियोग होउची गोविंद साहू जी कि परम बंधु कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्रंकर आउ कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र परम बंधु मंत्री प्रताप जेनांकर एवं जो ऑडियो आसुची गोटे आह्वानामनी युवती एंट्री होउची ये सब तदंत परिसर को आसीब ना नाही ना मिलीमिशी चापी दबा पाई ये गोटे बड़ षड्यंत्र जो षड्यंत्र आगुरु हेतिला किंतु धीरे धीरे बाट बणा हेउची एवं तापर पर्दाफाश हबो जतेबेले गोटे परे गोटे छात्र माने छात्री माने खुलासा करिवे जे महालिंग रे कौन केले केले चलथिला समस्या सहीची रोकठोक एठ रखुची जय जगन्नाथ।